लीजिए। ओके। अरे मैं प्रियंका हूँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मेरी थोड़ी याददाश्त गई है। नहीं गई है? नहीं। पक्का? हाँ एकदम पक्का। हाँ नहीं, एक बार फिर सोच लो। ओके। इसमें कोई सोचने वाली बात है? नहीं है। नहीं है? पक्का? हाँ एकदम पक्का। मैडम आपके पास कोई काम है तो वो बताओ। हाँ मैं काम तो लेकर आई हूँ, पर आप वो कर देंगी ना? हाँ पक्का? हाँ एकदम पक्का। अरे नहीं मैडम, क्या है ना मेरा काम ही कुछ ऐसा है ना, इसलिए मैं बार बार कंफर्म कर रही हूँ कि मैं जो भी आपको कातिलाना काम बताऊंगी वो आप कर देंगी ना? हाँ बढ़िया ही, कातिलाना कातिलाना काम। ओ मैडम मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगी। क्या? हाँ मैं किसी का खून नहीं कर सकती। पक्का? हाँ एकदम पक्का। हाँ सच्ची एकदम एकदम पक्का। तुम ना तुम निकलो। अरे नहीं मैडम, अरे मैडम मैडम रुको, आप नाराज मत हो। तो मैं तो ये जानकर खुश हूँ कि आप किसी का कत्ल नहीं करेंगी, मतलब मैं यहाँ पर सेफ हूँ। सेफ हो? तुम्हारी क्या मेरे पास सुपारी आने वाली थी? आ सकती है? आ सकती है? कौन देगा तुम्हारी सुपारी? सरकार। सरकार यानी अमिताभ बच्चन? अरे नहीं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तुम कौन हो, आतंकवादी हो क्या? अरे नहीं नहीं मैं आतंकवादी नहीं हूँ। पक्का? हाँ एकदम पक्का। हाँ एक बार फिर सोच लो ना। ओके। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हारी सुपारी क्यों देगी? वो क्या है ना, मैं आपके पास काम ही ऐसा लेकर आई हूँ। क्या काम लाई हो? ये क्या है? बैकग्राउंड म्यूजिक है मैडम। किस चीज का? क्लास की बात है। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, उस चीज का बैकग्राउंड म्यूजिक है ये। ओ मैडम मैं कोई देश विरोधी काम नहीं करूंगी। देश के हित में तो काम करोगी ना? अरे देश के लिए तो मैं अपनी जान पर खेल सकती हूँ। पक्का? हाँ एकदम पक्का। अरे हाँ नहीं, एक बार फिर सोच लो। अरे देश के लिए क्या सोचना, आप काम बताओ। तो सुन। सुना? आती क्या खंडाला क्या? अरे नहीं मेरा मतलब है कि कान खोल के सुनो। हाँ खोल के कान, जिगर थाम के सुनो। थाम लिया जिगर। मैडम लॉकडाउन खोल दो। हाँ अभी खोल दो। लॉकडाउन क्या बाबा जी की धोती है, जो आगे से मौका नहीं मिला तो पीछे से खींच के खोल दूं? अरे ये पॉसिबल ही नहीं है। मैडम आपने सर्व समस्या समाधान केंद्र खोला है ना, कैसे बोल सकती हैं? अरे तो मैं लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। मैडम ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ही है। क्या? हाँ मैडम प्लीज आप मेरी मजबूरी समझो। मैडम आप जानती हो मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मैडम। कितने महीने हो गए मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ थिएटर में कोपचे वाली सीट पर बैठ के पिक्चर नहीं देखी। हाँ और तो और कितने महीनों से किसी मॉल के आउटलेट के बाहर मैंने कोई सेल्फी नहीं खींची। और ये तो सुनो, कितने महीनों से मार्केट में जाकर मैंने पानी पूरी नहीं खाई। पानी पूरी तो मेरी भी फेवरेट है। किसी बीच पे बैठ के नजारे देखते हुए बियर नहीं पी। क्या तुम बियर पीती हो? बियर क्या, मैं तो हुक्का भी पीती हूँ, पर साला वो भी तो बंद है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे कुछ कहते नहीं? अरे इस लॉकडाउन में माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देख के इतना बोर हो गए हैं ना कि वो आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, मुझसे क्या खाक कहेंगे। मैडम प्लीज मेरी मजबूरी समझो, थोड़ी सी समझो और ये लॉकडाउन खोल दो मैडम। अरे ये भी कोई वजह है लॉकडाउन खोलने की? कितनी बड़ी वजह से देश को लॉकडाउन किया हुआ है? ऐसी कौन सी बड़ी वजह से लॉकडाउन किया है? अरे पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है। अरे तो मैडम महामारी को लॉक करो, देश को क्यों लॉक किया है? अरे अब तक उस महामारी का कोई इलाज नहीं है ना, इसलिए उसे लॉक नहीं कर सकते।
से। जब इलाज नहीं है तो फिर सर्दी खांसी वाले लोगों को जबरदस्ती सरकार अस्पताल में क्यों भर्ती कर रही है, नए नए कोविड सेंटर्स क्यों बना रही है? अरे ताकि संक्रमण ना फैले। और अगर फैल गया तो? पागल हो क्या, देखा नहीं अमेरिका ने लेट लॉकडाउन किया था तो वहां पर संक्रमण फैल गया, तो देखा अमेरिका की क्या हालत हुई। हाँ मैडम देखा है ना, वहाँ संक्रमण फैला, बट आई एम श्योर कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं फैला। वहाँ संक्रमण फैला पर वहाँ बेरोजगारी नहीं फैली, भूखमरी नहीं फैली, वहाँ पर पलायन नहीं हुआ, वहाँ कोरोना का डर नहीं फैला, कोरोना के नाम पर अस्पताल नहीं बंद हुए, हर सर्दी खांसी वाला आम इंसान कोरोना पेशेंट नहीं डिक्लेयर हुआ, कोरोना के अलावा दूसरे मरीज राम भरोसे नहीं छोड़े गए, वहाँ कोरोना हिंदू मुस्लिम नहीं बना, कोरोना के संक्रमण से अमेरिका की रफ्तार नहीं रुकी, वहाँ की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत है और आज भी नंबर वन है। तुम कहना क्या चाहती हो, हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है? किया है ना, हमारी सरकार ने तो वो किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है उसकी रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने वर्ल्ड बैंक से 76 अरब रुपयों का कर्ज लिया है। क्या? हाँ, और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये आज तक का सबसे बड़ा कर्ज है। और इसके अलावा देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नागरिकों ने भी तो चंदा दिया था, सरकार ने उन पैसों का क्या किया? दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ बंगाल बिहार लूटने, हाय ओ हो, दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ बंगाल बिहार लूटने, ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। अजीब लड़की है, इतनी सीरियस बात कहकर नाच गाकर चल दी। मैं आई हूँ बंगाल बिहार, बंगाल बिहार गाने में तो यूपी बिहार है, फिर ये बंगाल बिहार क्यों कह गई, कुछ खास कह गई क्या? हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो देन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।